दोस्तों इंग्लैंड के जीत के बाद पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर। आपको बता दें इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर अपना सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप 2022 जीतने का सपना को तोड़ दिया है। इंग्लैंड के मैच जीतते ही ग्रुप वन से सेमीफाइनल में जाने वाली दो टीमों का पता चल गया है। ग्रुप वन से जहां न्यूजीलैंड 5 मैचों में 3 जीत 1 हार और 1 मैच बारिश में गंवाने के बाद 7 अंकों के साथ पहले पायदान पर है, वहीं इंग्लैंड 5 मैचों में से 3 जीत 1 हार के बाद 7 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। लेकिन हम आपको बता दें जहां एक और ग्रुप वन में दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, वहीं ग्रुप टू में अभी भी रोमांच बना हुआ है। ग्रुप टू में अपना प्यारा देश भारत 4 मैचों में से 3 जीत 1 हार के साथ 6 अंक लेकर पहले पायदान पर है। वहीं दूसरे पायदान पर साउथ अफ्रीका 5 अंकों के साथ बनी हुई है तथा तीसरे पायदान पर 4 अंकों के साथ पाकिस्तान बना हुआ है। बांग्लादेश के भी अंक पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान का रन रेट भारत से बेहतर है, इसी वजह से भारत पर भी सेमीफाइनल में न जाने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि वो कौन से दो टीमें होंगी जो सेमीफाइनल के लिए ग्रुप टू से जाएंगी, इसका फैसला आज होने वाले मैच के बाद ही होगा। अगर आज भारत जिम्बाब्वे को हरा देती है तो वो टेबल टॉप करेगी और उसका सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ मुकाबला होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड को हरा देती है तो वह ग्रुप टू में दूसरे पायदान पर रहेगी और उसका सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। अगर वही मैच में किसी भी तरह का उलटफेर देखने को मिलता है, अर्थात अगर नीदरलैंड दक्षिण अफ्रीका को हरा देती है तथा पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, तो फिर से हमें भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, भारत पाकिस्तान का फिर से एक हाई वोल्टेज मुकाबला हो, फिर से भारत पाकिस्तान को हमेशा की तरह पटखनी दे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।